आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में टिकटों की रायशुमारी के पहले इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली जा रही है और उनके निर्देश पर ही पूरे मध्य प्रदेश में पहले 230 सीटों पर अन्य प्रदेशों के विधायक सर्वेक्षण करने और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं किस स्तर पर इम्प्लीमेंट की जा रही हैं और जनता का क्या फीडबैक है उसे प्राप्त करने के लिए 230 विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें जाना था। पर जैसे ही 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए उसके बाद 191 सीटों पर अन्य प्रदेशों के अर्थात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, यहाँ के विधायक पहुँचे। सिवनी विधानसभा में धामन गांव के विधायक प्रताप अड़सड़ के द्वारा 20 से 27 तारीख तक पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर मंडल का भ्रमण किया गया, उनके द्वारा फीडबैक लिया गया और इस फीडबैक को केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तक उनके द्वारा संभवतः भेजा गया। उनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन बीते दिवस किया गया था, किंतु उनके पिता की के स्वास्थ्य कारणों के चलते वे इस पत्रकार वार्ता के कुछ समय पहले ही सिवनी से चले गए। उनकी अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे के द्वारा पत्रकारों से को कुछ जानकारी दी गई, सतही जानकारी उनके द्वारा दी गई। आइए हम सुनते हैं, आपको बताते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। और उसके बाद आज वहाँ क्या विकास है उस संबंध में भी लोगों ने उनसे चर्चा के दौरान सारे डेवलपमेंट को बताया। जैसे वहाँ स्कूल की बात हो तो 3 करोड़ की लागत का वहाँ स्कूल बन रहा है, चाहे आंगनबाड़ी से लेकर के ग्राम पंचायत की, चाहे नल जल योजना को लेकर के जो जितना विस्तार काम कर रहे हैं वो सब भी निश्चित रूप से सभी ने उनको कामों के विषय में भी बताया। कुछ जो छोटे काम कहीं ना कहीं छूट गए हैं, रुके हुए हैं, उनकी भी चर्चा आएंगे, वो उन्होंने अपने पास देखा भी है। कुछ जो काम जहाँ उपस्थित थे, जहाँ विधायक उपस्थित थे, जहाँ हमारे पार्टी गरीब उपस्थित थे, नहीं जो मैंने बताया वो कोई नहीं था, केवल वो संगठनात्मक हमारी यह स्थिति है। तो जैसी मानी गई थी, पर जब संदेश आया
एक बार चर्चा हुई काम करते हैं क्या घटनाक्रम चले गए सात दिन का क्या कार्यक्रम बताए वो मैं कम से कम आप सबके समक्ष रखू तो इसलिए मुझे लगता है हाँ ये निश्चित रूप से ये तो मेन विषय है कि उन्होंने क्या पाया वो मुझे लगता है कि वो जानकारी उन्होंने दी है। हाँ तो वही मैंने तुलसी का काम बताया कि इस पत्रकार वार्ता में आलोक दुबे के अलावा पूर्व विधायक नरेश देवाकर यहां मौजूद रहे। वर्तमान विधायक दिनेश राय की अनुपस्थिति लोगों को जरूर खली। सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन भी यहां पर मौजूद नहीं रहे। कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की स्थितियां निर्मित होती हुई दिख रही हैं जो बहुत अच्छी तो कतई नहीं मानी जा सकती हैं।
सिवनी में विधायक की कार्यप्रणाली, वर्तमान विधायक की कार्यप्रणाली, चूँकि वे 10 साल से विधायक हैं, 5 साल वे निर्दलीय रहे और उसके बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, 10 साल की उनकी उपलब्धियां, निश्चित तौर पर यहां जब ये बात हो रही है तब उन्हें उपस्थित होकर इन सारी चीज़ों की जानकारी भी दी जानी चाहिए थी, जैसे पत्रकारों के बीच में चर्चा चल रही थी, उनकी अनुपस्थिति रही और जब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो उनके द्वारा भी जो जवाब दिए गए वे जवाब पूरी तरह संतोषजनक कतई नहीं माने जा सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।